भाई सिर्फ 2 मिनट लाइट गई है, एसी बंद हो चुका है और जो इस कमरे में जो भपका बन चुका है ना, सारी धूप इधर पड़ती है। बेचारे पर्दे कहाँ तक रोक लेंगे, ये भी ऐसा अंदर ही ट्रांसफर कर देते हैं। पूरा रूम 2 मिनट में गर्म हो गया मेरा। तो भाई काफी सारे भाई मेरे से पूछते रहते हैं कमेंट में भी और मैसेज भी आते हैं कि भाई तुम करली बाल कैसे रखते हो। भाई मेरे करली ना थे नहीं, मेरे थे वेवी। ये ऐसे करके ऐसे वेव नहीं बन जाती, ऐसे मेरे वेवी बाल थे पता है। और ये करली कैसे बने, ये करली बने कॉलेज में घूम घूम के धूप में डैमेज हो के। ये डैमेज हो रखे हैं भाई, ये कोई नेचुरल कर्ल्स नहीं है, डैमेज हो जाते मेरे बाल, इसलिए कर्ल्स बन जाते फिर। मेजोरिटी तो देखो डैमेज है। दूसरा, ये नहा के निकलो ना तो ऐसे स्क्रंच कर लो इनको, ऐसे 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 भींच लो और फिर छोड़ दो, फिर अपने आप ही सूखने के बाद कर्ली बन जाते हैं। और फिर इनके ऊपर सीरम वगैरह लगा लो, कर्ल रहेंगे पूरे दिन। अब कर दिया रिप्लाई प्लीज कमेंट के, मैं मत पूछना कि भाई कैसे हुए, कैसे हुए, अपने आप हो गए। ये गाड़ी दिख गई मेरे को फाइनली सड़कों पे, सिट्रन। ये पहले नहीं दिखती थी, पता नहीं आज कैसे दिख गई। ये गाड़ी बिक तो रही नहीं है, दिखती नहीं है, पता नहीं बेचारे का क्या दिक्कत हो गई, इनकी मार्केटिंग खराब थी या क्या खराब थी। बट एक आज दिख जाती है, कभी दिख जाती है साल 6 महीने में। तो यहीं खड़ी थी गाड़ी, अभी खड़ी है नहीं, अब नहीं खड़ी, इंटरसेप्टर कल यहीं खड़ी थी। कलर काफ़ी सही लगा इसमें, ये वाला ना ऑडी Q7 में आता है कलर, ये और इसमें दे रखा है, काफ़ी कूल कलर है ये तो। गाइस आज लाइव आ रहा है और क्या कहते हैं, हमें सख्त मनाया गया है कि तेज बोलने की, कि चुप रहना है। राम राम जी, मैं तुम्हारा भाई वत्सल यादव, इलेक्शन लड़के, इलेक्शन लड़ने के लिए सोच रहा हूँ, मेरे को वोट सपोर्ट सब करिएगा। कॉफी माफिया, वत्सल माफिया, कॉफी माफिया। तो भाई हम बना रहे आज वत्सल का व्लॉग। वत्सल कैसी बन रही है कॉफी? स्पेशल बंबू भाई ने बनाई है। क्या तुम भाई ठीक है, हमारी बॉडी नहीं बन पा रही तो भाई कौन देखे पेट हो रहा है। पेट ये नहीं होता, पेट अगर दिखा दिया ना फिर तो घबरा ही जाएगा। पर हिमांशु के साथ जिम स्टार्ट करेंगे थोड़े दिन में, बढ़िया एकदम। भाई कर ले, व्हाट्सएप में कह रहा हूं ये इतना तो मेरा फोर आर्म बनाऊंगा, इतना तो मैं भाई फोर आर्म्स मारते हैं ना ऐसे ऐसे करके, उससे बनते हैं बढ़िया। ऐसे देख, थोड़े से कट्स तो है एक हाथ। हाँ दिखा भाई हेडलाइट। नाइस, वेरी गुड साइकिल यू हैव। हाँ सबसे बढ़िया साइकिल भाई। गर्मी पता नहीं कैसे करके मानेगी, 8 बजने वाले हो, टेम्परेचर देख लो बाहर का 40 डिग्री। अरे रात को भी इतना टेम्परेचर यार। कल की पार्टी का तो बता दे, कैसी थी कल की पार्टी? भाई कपड़ों में तक। अरे पार्टी का बता, पार्टी कैसी थी? बहुत बढ़िया पार्टी थी। क्या मैं अच्छी आपको मजे आए? मेरे को तो मेरी पार्टियां होती बढ़िया है। थैंक यू भाई, अपनी पार्टी बढ़िया, अपनी पार्टी में इनवाइट करता रहा करो मेरे को। मच्छर कहाँ से घुस गया मक्खर में, एसी चला लिया करो, मेरे हाथ में तुम्हें चलाना पड़ता है ना बस। क्या भाई, भाई मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अरे भाई तबीयत खराब हो जाती है, सर्द गर्म हो जाती है, इसलिए चलाता मैं एसी। पागल गरीब मान रहा है क्या तू? नहीं पता नहीं है क्या तेरे को, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। कैसे कैसे नाम होते गानों के, बापू बॉम बंदा। देख रहा तू, मैं तो आप पहली बार के दोस्त उसमें अपने आप चल गया, मैं ये क्या गाना हुआ भाई, बापू बॉम बंदा। तो बेवड़ो के साथ आ जाता मैं कहीं भी, बेवड़े का ही तो वहाँ भी तो शराब मिलती है। आज हम देख लेते हैं अगर ये फिल्टर लग गया तो। ये 2 घंटे हो गए ये फिल्टर नहीं लग पा रहा बेचारे। लग गया, लग गया, लग गया, लग गया। तो भाई फोटो खींच लेते हैं गाइस। वेट, धोनी गुड़गांव में बढ़ते क्राइम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई एक लड़का ऑनेस्टली फालतू में पिट के गया है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और लोग इनकरेज कर रहे हैं इस चीज को। फालतू में पिटा भाई ये बता दे, नहीं ना भाई फालतू में पिटा, उसका स्कूटी बस आ रहा था वो निकल रहा था, जो दूसरा बंदा था वो खुद आके बीच में, ही जस्ट वॉक्ड इन, डिडंट लुक एनीवेयर एंड ही क्रैश्ड इनटू दैट पर्सन, सो इट वाज टेक्निकली हिज फॉल्ट दैट ही वाजंट सीइंग द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द रोड। इस बात का तात्पर्य है अपनी स्कूटी उड्डा मार्केट में मत लाओ। यहां पे गैंगस्टर घूम रहे होते हैं कुछ कुछ है, ये देख सुन लो, बातें सुन लो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक। एक होते हैं नॉर्मल कुत्ते, फिर एक आते हैं जो मार्केट के कुत्ते होते हैं, दोनों भारी वेलकम। मेरे कुत्ता कह रहा है भाई गाली की दे रहा है फिर, नहीं तू गाली दे, म्यूट करेगा इसको, नहीं तू गाली देगा क्या? गाली पड़ने में थप्पड़ पड़ते हैं। हाँ अभी भाई अभी सही में गाली खाने में थप्पड़ थप्पड़ मारा किसको? इधर पीछे बैठे है ना
बदमाश बदमाश शौक है मेरा, बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। भाई तू कह रहा था ना कि ये स्पाइसी नहीं, देख हमारा लौंडा, ये देख पर लौंडा हल्का भी तो है। अरे जब ही भाई पसीनो पसीनो में हो गया। अरे और तू कह रहा और स्पाइसी। हाँ भाई टोपी पहन रखी है, प्यारा पसीना टोपी से नहीं आता भाई, तेरे नाक में टोपी से कैसा पसीना है ये तो बता दे। देखियो जरा एक शक्ल दिखा दे अपनी, देखियो मेरे दोस्त के बारे में देख देख देख। ये इतराने की कोशिश कर रही है कि अच्छी लग जाए, पर नहीं लग रही ध्वनि तो यार ये काट दिया। इन्हें तो लड़ाई कर लें दो। हैप्पी बर्थडे भाई। क्यों तेरा बर्थडे काट दूं? नहीं ये काट दियो, बर्थडे काट दूं। पता है मैं दूसरी बार कंप्लेंट कर रहा हूँ अपने घर के इस कमरे की, मेरे कमरे के पर्टिकुलरली कि गर्मी कितनी होती है। अभी मैं ना ये पानी की बोतल देख रहे हो, इसमें दो घूंट पानी था, मैंने पानी पिया भाई, पानी एकदम उबल रहा, गर्म इतना। और फिर एयरपॉड्स लगाए मैंने, अभी गाने वाने सुन रहा था भाई, ऐसा लगा कि गरम गरम किसी ने कान में कुछ डाल दिया, इतना गरम, एयरपॉड्स भी गरम। मतलब ऐसे तो 3-4 साल बाद मैं तो भाई बाहर हूँ, इतनी गर्मी मेरे शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता यार। सिर में गर्मी चढ़ गई बहुत ज़्यादा भयंकर वाली, तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हो गई है। एसी, फिर वापस गर्मी, फिर एसी, फिर वापस गर्मी, नहीं हो सकता यार बर्दाश्त। रोटी नहीं है क्या अम्मी? तू पागल तो नहीं है? ठीक है नहीं है इसका मतलब। ध्वनि तो सही कह रही थी, मेरी माँ मेरी बहुत जंड मारती है, दिख रहा है आज मैंने नोटिस किया। बोल तो गाय नहीं, मेरा ये मत दिखाइयो। आपके चाल नहीं दिखाने? क्यों नहीं, ये मैं खाने का तरीका है मेरा, अब वो भी डोंगे में तो वक्त मैं कुछ नहीं काटता। तू काटेगा नहीं तो फिर आज के बाद सोच लियो, देख लेना। सॉरी मम्मी बट मैं अपनी ऑडियंस से कुछ नहीं छुपाऊंगा। अरे क्या हो गया, डोंगे में खा रहे तो आदमी कई बार गर्म करता है सामान तो इसमें खा लेता है। देखो गाइस मेरे को कोई नई चीज़ मिली है अपने उसमें ड्रेसिंग में, मतलब नई चीज़ नहीं है तो पुरानी, बट पता नहीं कितने टाइम से यूज़ नहीं करी। आज मेरा मन सा कर गया था स्किन केयर करने का, तो मुँह धो के आया और एकदम से मेरा बस नज़र पड़ गई इस पर। एक मिनट बता रहा हूँ क्या चीज़ है, ठीक है एक मिनट कर लूँ इसे पहले। हाँ तो भाई ये जो था ना वो रोलर था। अब इस रोलर में क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी नीडल्स होती हैं, पतली पतली सी और छोटी छोटी सी, तो उससे बस बहुत ही माइनर माइनर होल्स हो जाते हैं तुम्हारे फेस पे। तो इसका जो मेन यूज़ है लड़कों में, लड़का भी यूज़ करती है बट लड़कों में मेन यूज़ ये है कि पैची बियर्ड जिनके होते हैं ना उनको सही कर देते हैं। वैसे रोलर वाली स्कीम बहुत लड़कों को पता होगी बट जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो, उससे बियर्ड आ जाती है, कहते हैं आ जाते, देखो आती है नहीं आती है तो पता नहीं, बट हाँ अब दिखती रहेगी तो कर लिया करूँगा, और तो क्या, वरना बेचारी खामों का ख़राब भी हो रही थी। मैं चलो पढ़िए तो यूज़ कर लेते हैं, बन जाऊँगा थोड़े दिन में रणवीर सिंह वाली दाढ़ी आ जाएगी मेरी। 20 साल का ही तो इतनी दाढ़ी सही है, वैसे भी मेरे को इतनी ही रखनी होती, मेरे को बढ़ानी अच्छी नहीं लगती। दिस इज़ द परफेक्ट बियर्ड साइज़ ऑन माई फेस। दोस्त से मिलने इस कैफे में गए थे, किसने दरवाजा ली, हम ठेके में सच्ची में नहीं मुड़े थे भाई, हम सीधा सीधा कैफे में घुस गए थे। तो यस नो जेंजी किड वर ड्रिंकिंग द एल्कोहल, ये सब गलत बात होती है, तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। बस इसी नोट पे गुड नाइट, सी यू, बाय।